ये जो दिल्ली शहर में जहरीली हवा चल रही है, आलूदगी फैल रही है, जिससे हमारे एडन का भी शुरू होने वाला है 4 तारीख से 15 तारीख तक, और हमारे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जी ने जो बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी है, इस वजह से कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, उस पर हवा ज़्यादा असर ना करे। तो आइए हम जानते हैं, अजमेर गेट काउंसिलर राकेश कुमार साहब के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हाल है और हवा कैसी है और इनके बारे में क्या कहना है। राकेश भाई, आप बताएं कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, कह रहे हैं पराली जला रहे हैं कुछ इस तरह से, तो छुट्टियां भी केजरीवाल जी ने की है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति से दिल्ली के लोग निकल रहे हैं। वाकई में दिल्ली के जो हालात हैं, जो पर्यावरण है, बहुत दूषित है, और ये जो पराली की जो जलाई जा रही है, उसकी मार जो है वो बच्चों पे पड़ रही है और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन पे पड़ रही है। पूरा माहौल, पूरा वातावरण आज दूषित है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय के लिए ये बहुत संकट का कारण होगा, क्योंकि जो आज का दिन है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहने वाला दिन है आज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले हालात बहुत ख़राब होंगे, ये बिल्कुल सही कहना है इनका, क्योंकि इसको हमको और आप सबको मिलकर सोचना है। हवा साफ़ और सुथरी होनी चाहिए, इसके जो है फेफड़ों में परेशानी होती है, खासकर बच्चे इसकी लपेट में आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जगह जगह गंदी चीज़ें न जलाएँ, प्लास्टिक न जलाएँ, लकड़ी न जलाएँ, ताकि हमारी हवा साफ़ और स्वच्छ रहे। क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से धुंध आ रही है, आप देख सकते हैं कि पीछे इसके धुंध ही धुंध हो रही है। लगभग इस वक्त 2 बजे का टाइम है और अभी भी धुंध जारी है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर क्या परेशानी है। यहाँ एक बुजुर्गवार खड़े हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उनको कैसी परेशानी हो रही है। आपका नाम? मुश्ताक अली। आप क्या कहते हैं? देखिए, सांस की प्रॉब्लम इनका कहना, फेफड़ों का ये सांस लेने में परेशानी हो रही है, और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो फोक दिखाए दूर तक। ये लोग खड़े हुए हैं सब, ये देखिए, ये हाथ हिला के कह रहे हैं, आपको कुछ कहना है? आपको फोक हो रहा है, परेशानी हो रही है सांस लेने में, खांसी महसूस होती है, पैर में भी दर्द हो रहा है इनके, खांसी से पैर में भी दर्द हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, इनका ये कहना है। आपका नाम? अजीश नारायण साहब। आप क्या करते हैं? ये चाय की दुकान पर काम करते हैं, और इस वजह से इनको तो खांसी वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाय जब पकती है तो उसकी भाप लगती रहती है। कमर बहुत ज्यादा हो, दर्द हो कह रहे, कमर में भी दर्द हो रहा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि लोग जो अपनी हिफाजत करें और बच्चों की भी हिफाजत करें, मास्क लगाकर बाहर निकले, जब तक ये धुंध है इसको देखते रहें। कैमरामैन से मैं फिर कहना चाहूँगा कि दिखाएं इधर का भी दूर तक, देखिए दूर दूर तक यहाँ पर फॉग दिख रहा है, ये फॉग नहीं है, ये आलूदगी है जो सांस के जरिए जाती है और फेफड़ों में खराबी करती है। इधर से भी दिखाएं, इनको भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, इस वजह से मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि ये सीधा इसका धुआं गले तक जाता है। जी सर, ऐसा है, ये कह रहे हैं गले तक जाता है और आंखों में भी मिर्चें लगती हैं, इस वजह से सारे जवान भी मास्क लगाए हुए हैं। सुबह से शाम तक मास्क लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर मास्क बदलते रहते हैं। इनका ये कहना है कि मास्क लगा कर लग रहे हैं, जिस तरह से सब ही करें।